नाउ क्वेश्चन नंबर टू, नेक्स्ट पार्ट की तरफ जाते हैं, सेवन पार्ट। वाई इज इक्वल टू एल एन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो ये आ जाता है डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स एल एन 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एल एन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो एल एन का रूल है 1 ओवर आर्गुमेंट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इन टू डेरेवेटिव ऑफ द आर्गुमेंट 9 माइनस एक्स स्क्वायर। दिस इज 1 ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 9 को डिफरेंशिएट करते हैं जब अप्लाई करेंगे तो ये 0 कांस्टेंट है, माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करते हैं पावर रूल अप्लाई होगा 2x, तो ऊपर आ जाता है माइनस 2x और नीचे आ जाता है 9 माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2x ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, एट पार्ट। y इज इक्वल टू e पावर 2x इंटू साइन 2x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस 2x इंटू साइन 2x। तो दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, तो ई पावर 2x, साइन को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आ जाता है, तो कॉस 2x इनटू फर्दर डेरिवेटिव ऑफ द एंगल, साइन के एंगल में है 2x, प्लस साइन 2x। अब यहाँ पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो कोशेंट रूट नेचुरल एक्सपोनेंशियल है, तो सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर। दिस इज ये 2x को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, तो e पावर माइनस 2x cos 2x into ये 2 बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1, प्लस sin 2x e पावर माइनस 2x, यहाँ पर माइनस 2 बाहर आ जाएगा डेरिवेटिव से, x का डेरिवेटिव 1। तो अब हमारा आंसर आ जाता है 2, अगर हम कॉमन ले लें और e पावर 2x भी कॉमन आ सकता है तो अंदर रह जाएगा, यहाँ पर ये और ये दोनों कॉमन निकल गए तो इधर रह जाएगा cos 2x रह जाएगा, और ये माइनस 2 वाला जो साइन है वो यहाँ पर आ जाएगा, इस प्लस को ये माइनस कर देगा और यहाँ पर रह जाएगा sin 2x, ये भी बाहर चला गया कॉमन और ये 2 भी कॉमन चला गया। तो ये है हमारा फाइनल आंसर dy by dx का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, नेक्स्ट पार्ट, नाइन्थ पार्ट। y इज इक्वल टू e पावर माइनस x इंटू x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। बहुत सिंपल है, तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy वाई बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स ई पावर माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1। दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही है तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस सेकेंड
यानी x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट e पावर माइनस x इज द फर्स्ट। अब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो e पावर माइनस x, जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे पावर रूल अप्लाई होगा x पावर 3, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर। इसी तरह ये 2 डेरिवेटिव से बाहर होगा, 2 डेरिवेटिव से बाहर निकलेगा, लेकिन x पावर 2 x स्क्वायर डिफरेंशिएट करें तो ये आ जाएगा 2x और 1 का डेरिवेटिव 0 और प्लस x पावर 3 प्लस 2x 2 प्लस 1 और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर। तो अब ये आ जाता है e पावर माइनस x 3x स्क्वायर प्लस 2 2 4x और प्लस x पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1 e पावर माइनस x और यहाँ पर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाता है माइनस 1। तो ये वाला माइनस अप्लाई होगा यहाँ पर, ये इसको माइनस बना देगा। तो e पावर माइनस x मैं कॉमन ले लेता हूँ और अंदर वाले ब्रैकेट्स भी ख़त्म कर देता हूँ। e पावर माइनस x कॉमन जब लिया तो इधर रह जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x, यहाँ पर अब ये वाला माइनस होगा तो ये माइनस इस ब्रैकेट के अंदर अप्लाई होगा। तो माइनस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1। तो अब ये आ जाता है e पावर माइनस x और ये है 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। लाइक टर्म्स को इकट्ठा लिखा। अब हम अप्लाई करते हैं e पावर माइनस x, तो ये 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये आ जाता है x स्क्वायर प्लस 4x माइनस एक्स क्यूब माइनस 1। अगर हम माइनस साइन कॉमन ले लें, ज़रा अंदर तरतीब भी चेंज कर दें, ये भी हमारा आंसर है। यहाँ पर भी हम उसको रोक सकते हैं। अगर हम आगे लेके जाना चाहते हैं माइनस साइन कॉमन ले लें तो e पावर माइनस एक्स, अब ये माइनस मैंने कॉमन लिया, अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस एक्स क्यूब था ये प्लस एक्स क्यूब बन गया, ये प्लस एक्स स्क्वायर था ये माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, ये प्लस 4x था ये माइनस 4x बन गया, ये माइनस 1 था और ये बन जाएगा प्लस 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर dy/dx। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 10th पार्ट। y इज इक्वल टू x इंटू e पावर साइन x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x d/dx x इंटू e पावर साइन x। दो फैक्टर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड e पावर साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट। तो यहाँ पर x, जब हम एक्सपोनेंशियल नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेम इनटू डेरिवेटिव ऑफ द पावर, एक्सपोनेंट के पावर में, एक्सपोनेंट में क्या है साइन x प्लस e पावर साइन x, यहाँ पर x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 आ जाता है। तो ये आ जाता है x e पावर साइन x और ये साइन x को जब डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये आ जाता है cos x प्लस e पावर साइन x। तो e पावर साइन x हम कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर रह जाएगा x इंटू cos x और यहाँ पर आ जाता है 1। तो ये है हमारा फाइनल आंसर dy/dx का। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 11th पार्ट। y इज इक्वल टू 5 e पावर
3x minus 4. Differentiate with respect to x. तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे डेरिवेटिव से कांस्टेंट बाहर होगा तो d by dx e power 3x minus 4. तो dy by dx is equal to 5. अब नेचुरल एक्सपोनेंशियल को डिफरेंशिएट करते हैं तो सेम 3x minus 4 into derivative of the power, power में है 3x minus 4. तो जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 5 e power 3x minus 4. जब डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 3x, 3 डेरिवेटिव से बाहर होगा, x का डेरिवेटिव 1 minus 4 का डेरिवेटिव 0. तो अब ये आ जाएगा, ये यहाँ से 3 minus 0 3 आता है, बाहर वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 15 e power 3x minus 4. तो ये है हमारा फाइनल आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, 12th पार्ट है. y इज इक्वल टू x प्लस 1 होल पावर x. अब ये जरा डिफरेंट है, एक्सपोनेंशियल भी डायरेक्टली नहीं है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल की तरह e पावर में x नहीं है और ना नीचे बेस में x हो कि पावर कोई कांस्टेंट हो. तो इस तरह के क्वेश्चन के बेस में भी x नज़र आ रहा हो और पावर में भी x हो तो फिर हम लॉग का सहारा लेते हैं. टेकिंग नेचुरल लॉग ऑफ बोथ साइड्स, टेकिंग नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स. तो ये आ जाता है ln x प्लस 1 होल पावर x. तो जिस तरह इसकी प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर पावर हो तो पावर हम शुरू में लिख देते हैं, तो यही रूल हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. ln y, ये x हम शुरू में लिख देते हैं, ln x प्लस 1. अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं. नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. तो d by dx, ln y को डिफरेंशिएट करेंगे, d by dx और राइट साइड को भी डिफरेंशिएट करते हैं. तो जब हम ln y को डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका रूल है 1 ओवर आर्गुमेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द आर्गुमेंट. आर्गुमेंट में y है, y का डेरिवेटिव. यहाँ पर दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, x और ln. तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड प्लस सेकेंड इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, 1 ओवर y dy by dx ऐसे ही रहेगा. x अब यहाँ जब हम अप्लाई करेंगे तो ln के आर्गुमेंट में है, 1 ओवर आर्गुमेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ द आर्गुमेंट प्लस ln x प्लस 1 इनटू, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 आ जाता है. तो ये आ जाता है x ओवर x प्लस 1, यहाँ पर डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस ln x प्लस 1. तो अब ये आ जाता है x ओवर x प्लस 1 प्लस ln x प्लस 1. इनका हम LCM ले सकते हैं तो LCM आ जाएगा हमारा, ये आ रहा है 1 ओवर y dy by dx is equal to, अब LCM है x प्लस 1, तो x प्लस ये x प्लस 1 उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x प्लस 1 इंटू ln x प्लस 1. और दोनों साइड अगर हम मल्टीप्लाइंग बाय y, दोनों साइड अगर हम y से मल्टीप्लाई करते हैं तो
यहाँ से y कट जाएगा लेफ्ट साइड से, क्योंकि हम यहाँ पर भी y मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर भी हम y मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ y और y कट जाएगा, तो इधर रह जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर है x प्लस वन इंटू एल एन एक्स प्लस वन, ऊपर ये हैं और नीचे हैं x प्लस वन, और बाहर जो इस साइड पे y लिखा हुआ आएगा वो ये है जो हमने y मल्टीप्लाई किया। तो dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस, यहाँ पर हम log का रूल यहाँ पर भी अप्लाई कर, जिस तरह हमने पावर को शुरू में लिखा था, तो अब शुरू में जो लिखा हुआ है इसको हम log के साथ लिखे, इसके आर्गूमेंट की पावर में भी इसको लेके जा सकते हैं, मीन्स इसको u भी लिख सकते हैं ln x प्लस वन पावर x प्लस वन, अगर ऊपर भी उस तरह रहने दें तब भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, ओवर x प्लस वन, और यहाँ पर ये जो y है जो हमें गिवन है क्वेश्चन में, ये y की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये आ जाता है x प्लस वन होल पावर x। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, या अगर हम मज़ीद उसको मैनिपुलेट करना चाहें तो या तो हम ये वाला ऊपर लेके जाएंगे, इससे हम पावर माइनस कर देंगे, इस तरह से dy वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस एल एन एक्स प्लस वन पावर एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन, क्योंकि इसकी पावर वन है, इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर माइनस वन बन जाएगी, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। मज़ीद भी इसकी मैनिपुलेशन हो सकती है, अगर कोई करना चाहे तो आगे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, वो किस तरह से कि यही एक्स प्लस वन होल पावर एक्स माइनस वन जो है उसको अंदर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं।